और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां माननीयों को घर खाली करने का निर्देश दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से सामने आई, जहां माननीयों को घर खाली करने का निर्देश जारी हो चुका है, क्योंकि विधानसभा सचिवालय ने 30 विधायकों को चिट्ठी भेज दी है। ऐसे विधायक हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, और ऐसे में अब फरमान जारी हुआ है। तो माननीयों को घर खाली करने का निर्देश जारी हुआ है। विधानसभा सचिवालय ने 30 विधायकों को इस बाबत चिट्ठी भेज दी है। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे विधायकों को फरमान जारी हुआ है। बीजेपी कांग्रेस ने 30 मौजूदा ऐसे विधायक हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली है, और नए विधायकों को क्योंकि अब आवंटित होना है आवास, ऐसे में अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि नई विधानसभा गठन की भी तैयारियां हैं। विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार को भी पत्र भेजा है। विभिन्न विभागों के गेस्ट हाउस हो चाहे रेस्ट हाउस हो, उन्हें जल्द से जल्द खाली करने को कहा गया है। तो नई कार्यकारिणी गठित होगी, नया विधानसभा मंडल भी गठित होगा, और ऐसे में पूरी तरह से तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। 30 ऐसे विधायक हैं जिन्हें घर खाली करने को कह दिया गया है, आदेश दे दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है कि अब आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे थे, और अब जो नए विधायक बन के आएंगे, नए चुन कर आएंगे, उनके लिए वो जगह खाली करनी है। तो यही वजह है कि पत्र लिख दिया गया है। तो नई विधानसभा गठन की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब 3 तारीख का इंतजार है, और 3 के बाद अब पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन नया विधायक बनने जा रहा है। तो भोपाल से एक खबर आपको बता दें, माननीयों को अब घर खाली करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने 30 ऐसे विधायक हैं जिन्हें चिट्ठी भेज दी है, और जल्द से जल्द उन्हें खाली करने को कहा गया है, चाहे वो रेस्ट हाउस हो चाहे वो गेस्ट हाउस क्यों ना हो, क्योंकि नए विधायक जो भी अब चुनकर आएंगे उनके लिए ये जगह खाली होना जरूरी है। तो माननीयों को अब घर खाली करने के निर्देश जल्द से जल्द जारी हो चुके हैं, पत्र लिख दिया गया है। 30 ऐसे विधायक हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, और ऐसे में फरमान जारी हुआ है। तो चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस से, 30 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली थी, और नए विधायकों को अब वो आवाज उन्हें देना होगा। तो नई विधानसभा गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि मतदान हो चुका है और अब मतगणना की तैयारियां एक तरफ चल रही हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब पूरी तरह से नई कार्यकारिणी गठित होनी है, नई विधानसभा गठन होना है, तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, 30 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, तो जाहिर तौर पर अब उन्हें अब घर खाली ही करना होगा। देखिए बिल्कुल, अगर साफ तौर पर बात करें तो ये पूरी फहरिस्त है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के विधायक शामिल है। हम अगर बात करें तो कई सारे इसमें से बागी होके भले ही चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन टिकट नहीं मिला, कुछ जो निर्दलीय हैं जो पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उनका भी नाम इसमें शामिल है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कई सारे नाम शामिल है, चाहे उसमें हम बात करें ब्रह्मा मलावी जो कांग्रेस के विधायक है उनका नाम शामिल है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 12 विधायकों के इसमें नाम शामिल है, कांग्रेस के भी लगभग 10 विधायकों का नाम शामिल है, कुछ अन्य विधायकों के नाम शामिल है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अगर हम देखते हैं तो वो यही है कि इसमें बहुत सीनियर लेवल के वो नाम शामिल है जो लगातार एमएलए गेस्ट हाउस में रह रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 लोगों को शासकीय आवास भी इसमें से आवंटित था, तो चाहे वो एमएलए गेस्ट हाउस की बात हो, एमएलए रेस्ट हाउस की बात हो, या फिर शासकीय आवासों की बात है, 30 ऐसे विधायक हैं जो मौजूदा चुनाव में किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार को इस बावत पत्र लिखा है। जी अनुराग, देखिए बिल्कुल, मैं जैसा लगातार बता रहा हूँ कि जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हैं जिनको दोनों ही पार्टियों ने टिकट नहीं दिया था और ना ही ये बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इन सभी को जो है कहीं ना कहीं आदेश दिया गया है, नोटिस दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने ये नोटिस जारी किया, 30 नवम्बर तक की तिथि इसके लिए तय की है कि उसके पहले खाली कर दें, ताकि 3 दिसंबर के बाद जो निर्वाचित विधायक हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है नए आवास या गेस्ट हाउस में कमरे आवंटित किए जा सके। बिल्कुल, तो जब निर्वाचित विधायकों को वो जगह देनी है और इस वजह से खाली करने का आदेश दिया गया। शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार को इस बाबत पत्र भेज दिया है, और जल्द से जल्द विभिन्न विभागों के गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस को रिक्त करने को कहा गया है।